नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विटनेस। इस वक्त की खबर है मंडला नैनपुर से, जहां पीसी जायसवाल बस संचालक मयंक जायसवाल ने नैनपुर थाने में शिकायत दर्ज की थी कि उनकी बस बस स्टैंड में खड़ी थी और देर रात में इस बस के हेल्पर अतुल और ड्राइवर मधुदास परवार बस के अंदर सो रहे थे। तभी रात 1:30 बजे हेल्पर अतुल यादव को बस के पास कुछ हलचल की आवाज़ सुनाई दी। तब उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर आकर देखा तो चार लड़के सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में से बस से डीजल चुरा कर देखते ही चोरों ने स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर भाग गए। फिर अतुल ने इस बात की सारी जानकारी अपने बस मालिक मयंक को दी, जिसके बाद बस मालिक ने आकर देखा तो टैंक का लॉक टूटा हुआ था और डीजल चोरी हो चुका था। हेल्पर अतुल यादव ने बताया कि चार चोर में से एक लड़के को वह पहचानता है, जो नैनपुर के ढीमर मोहल्ले में रहता है, जिसका नाम निखिल नंदा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने अपराध कायम कर निखिल को थाने में बुलाकर पूछताछ की। तब निखिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसके साथ सचिन ठाकुर, अक्षय झारिया और नीरज सोनी थे, जिन्होंने बस स्टैंड में खड़ी बस पीसी जायसवाल से डीजल चुराया और ग्राम निवारी के अनुराग साहू और निवास पिपरिया के मुकेश झरिया को बेचे। पुलिस ने आरोपियों एवं डीजल खरीदने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। पीसी जायसवाल के नाम से बस इनकी चलती, एक आवेदन दिया था कि इनकी जो बस स्टैंड में बस खड़ी रहती है उससे 26 जनवरी की रात में डीजल चोरी हो गया है, जिस पर उनकी आवेदन पर अपराध थाने नैनपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। साथ ही उन्होंने बताया था कि उनके जो हेल्पर है उसी बस में थे, तो उनने एक स्कॉर्पियो गाड़ी को मौके पर देखा था, जो स्कॉर्पियो गाड़ी का नंबर है NOCG 5921 स्कॉर्पियो गाड़ी थी, जिसको संदेह बताया था कि ये गाड़ी मौके पर उन्हें जो उनके हेल्पर हैं उनको जब कुछ आहट हुई तो उन्होंने इस गाड़ी को वहाँ से जाते हुए देखा। तो अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात हमने इस गाड़ी की हिकमत अमली से तलाश की, जो गाड़ी निखिल नंदा के पिताजी के नाम से रजिस्टर्ड होनी पाई गई। तो निखिल नंदा को अमराज थाने लाकर उससे मौके पर पूछताछ किया, जिसने 26 जनवरी की रात को नैनपुर बस स्टैंड की बस से पीसी जायसवाल की बस से डीजल चोरी करना स्वीकार किया। साथ ही अपने साथ तीन लड़कों का नाम उन्होंने बताया, जो अक्षय झारिया, नीरज सोनी और सचिन। निखिल नंदा के बताए अनुसार इन लोगों को भी तलाश किया और तलाश करने के पश्चात मिलने पर इनसे पूछताछ कर इनसे चुराया गया डीजल, जरी कैन और कुछ जो पाइप जब्त किए गए। साथ ही इन्होंने चोरी का डीजल है इसे कहाँ बेचा, उसके आधार पर एक निवारी के अनुराग साहू और एक मुकेश हैं जो निवास के हैं इनसे, और एक गंगा टोला के अयूब खान, इन लोगों को इन्होंने डीजल जो चोरी का डीजल था बेचना बताया। तो इनको भी जो चोरी का डीजल था इन्हें इनके कब्जे से जब्त किया और इस तरह सातों आरोपियों के खिलाफ 379/411 का मामला पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय में पेश किया।